करेला ऐसा एक सब्जी है जो बहुत सारे लोग खाना पसंद नहीं करते, बच्चे तो बिल्कुल ही पसंद नहीं करते, बट करेला स्पेशली गर्मी में हम सभी को खाना चाहिए। तो आज का रेसिपी देखने के बाद आशा करती हूँ सभी लोग दो तीन बार तो खाना पसंद ही करेंगे, मतलब गर्मी में दो तीन बार खाना पसंद ही करेंगे, क्योंकि आज का रेसिपी है ना करेले का बहुत ही यूनिक, बहुत ही मतलब मज़ेदार, खाने के बाद आपको पता ही नहीं चलेगा आपने करेला खाया। तो चलिए देख लेते हैं करेला का रेसिपी। तो मैं शाश्वती आप सभी का वेलकम करती हूँ मेरे चैनल कुकिंग विद एसआर जी में, और आज का रेसिपी स्टार्ट करते। तो करेला का रेसिपी, तो करेला चाहिए तो मैंने करेला ले लिया, इसको धो के ले लीजिए पहले, क्योंकि काटने के बाद हमें धोना नहीं है। तो ऐसे करके काटेंगे, देखिए ऊपर नीचे का पोर्शन मैंने छांट लिया, उसके बाद इसको दो टुकड़ा कर लिया, उसके बाद ऐसे बीच में से गोल गोल कर लेंगे। कैसे काटना है मैं आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि अभी हर सब्जी का काटने का एक तरीका होता है, क्योंकि करेला के सेप सब्जी के सेप के ऊपर हमारा रेसिपी डिपेंड करता है। तो गोल गोल करके काट लिया, उसके बाद बीच में से ऐसे चीरा लगा लेंगे। आप जैसे देख रहे हैं, देखिए बीच में से ऐसे चीरा लगा लेंगे, जो थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा वाला गोल गोल है उसे मैं बीच में से तीन टुकड़ा कर लूँगी। देखिए इसे मैं तीन टुकड़ा कर लिया, हो गया। इसे ऐसे ही मैं सभी करेलों को काट के रेडी कर लूँगी। एक बार बना के खाइए ऐसे सूखा करेला का सब्जी। मैंने इससे पहले भी दो तीन बार बहुत सारे करेले का रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करी हूँ, आप लोग पसंद किया है, तो आज का रेसिपी उससे भी कहीं ज़्यादा अच्छा और एकदम यूनिक तरीके से मैं बनाऊँगी। आप लोग देखिए, आशा करती हूँ आप सभी को बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि एकदम कड़वा नहीं लगेगा, कुछ भी नहीं लगेगा, आपको खा के मालूम ही नहीं पड़ेगा। देखिए करेला मैं एक बाउल में ले लिया, उसके बाद ये जो दिख रहे हैं यह है चावल का आटा, तो दो स्पून मैं चावल का आटा दे दिया और थोड़ा सा हल्दी दे दिया, कुछ मसाला मैं इसके साथ मिक्स करूँगी, हल्दी थोड़ा ज़्यादा दिया और ये जिंजर पाउडर। जिंजर पाउडर आपके पास नहीं है तो आप जिंजर को ग्रेट करके दे दीजिए, ग्रेटर तो सभी के पास होता है। और थोड़ा सा मैंने दे दिया चिली फ्लेक्स, तो चिली फ्लेक्स नहीं है तो कूट के घर में भी दे सकते, घर का फ्रेश। और दे दिया कलर के लिए, दे दिया मैंने कश्मीरी रेड चिली पाउडर और थोड़ा सा नमक, नमक जो आपको चाहिए सब्जी में पूरा यहीं पर देना पड़ेगा। ये दे दिया मैंने थोड़ा सा चाट मसाला, जो जो दे रही हूँ सब कुछ आपको देना है, तभी इस रेसिपी का बहुत अच्छे से टेस्ट आएगा। ये जो दिया, ये दिया मैंने थोड़ा सा सफ़ेद तिल, और थोड़ा सा ऊपर से दे दूँगी सरसों का तेल, क्योंकि ये मस्ट इस रेसिपी में। बाई चांस आप पसंद नहीं करते तो दूसरा ऑयल यूज़ कीजिए। तो और थोड़ा सा हाथ में पानी लेके मैंने दे दिया, हो गया। सभी मसाले को धीरे धीरे मसल मसल के मैं सब्जी में मैरिनेट कर लूँगी, थोड़ा सा एक स्क्रम्बल टाइप हो जाएगा तब तक मैं इसे यूज़ करूँ, मतलब मसल लूँगी। सभी मसाले को एक्चुअली मिक्स करना है बाउल में लेके, मुझे लग रहा है थोड़ा सा और चावल का आटा चाहिए, तो थोड़ा सा चावल का आटा मैं दे दिया, ऊपर से मिक्स कर दूँगी। उसके बाद चलिए इसे खाना बनाएंगे, तो गैस के सामने चलिए। तो एक्चुअली ये है एक सूखा करेला का रेसिपी, जो मैं दावे से बोल सकती हूँ आप गरम गरम राइस के साथ खाएंगे ना, इसके साथ आपको कुछ भी नहीं चाहिए। और दे दिया मैंने ऑयल, ऑयल गरम हो गया, मैं एक ग्रीन चिली ले लिया, इसे बीच में से स्लिट कर दिया, इसे थोड़ी देर होने दिया, उसके बाद दे दिया थोड़ा सा कलौंजी। कलौंजी चाहिए तो कलौंजी नहीं है तो ज़ीरा दे दिया, ऐसा मत कीजिए, तो इस मसाले रेसिपी का टेस्ट बिगड़ जाएगा। थोड़ी देर इसे होने दिया, उसके बाद जो हमने करेले को मैरिनेट करके रखा था वो हमने दे दिया। तो इसे इस टाइम एकदम हाई आंच में दो मिनट चला लीजिए, एकदम हाई आंच में इस टाइम, क्योंकि नहीं तो पानी छोड़ देगा। जो कटोरी में लगा हुआ है वो सब कुछ मैं मसाला ले लिया, क्योंकि बोल के अंदर बहुत सारे मसाले लगे हुए थे, अभी दो मिनट चला लिया मैं। उसके बाद चलाने के बाद मैं आपको बोलती हूँ क्या करना पड़ेगा। देखिए हो गया, मैं इसे आँच को एकदम सीम करके एकदम 3 से 3.5 मिनट के लिए मैं ढक के रख दूँगी, मतलब इसमें पानी बिल्कुल यूज़ नहीं होंगे, तो इसलिए ढक ढक के हमें ये प्रिपरेशन करना पड़ेगा। कब तक करना पड़ेगा, देखिए 2.5 से 3 मिनट बाद रिटर्न आया मैं, अभी तेल छोड़ दिया, तो इसे धीरे धीरे करना पड़ेगा। अभी आँच को मीडियम कर लीजिए, जब चलाएँगे तब आँच को मीडियम कर लीजिए, जब हम ढाकेंगे तब आँच को एकदम स्लो कर दीजिए। यही प्रोसेस आपको
ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए थोड़ा सा स्प्रेड कर दिया, उसके बाद इसे फिर से ढक के 2.5 से 3 मिनट बाद मैं फिर से रिटर्न आऊँगी। हो गया 2.5 से 3 मिनट बाद, देखिए कलर चेंज हो गया बहुत, मतलब 70 से 80% हो गया। और नहीं ढकूंगी मैं इसे, तेल भी छोड़ दिया आप देख पा रहे हैं। और एक बार चेक कर लूँगी हमारा करेला कितना बॉयल हुआ है। तो अभी क्या करेंगे, मीडियम आंच में इसे कंटिन्यू 3 से 4 मिनट मैं चलाती रहूँगी। कभी कभी थोड़ा सा आंच ज़्यादा कर दूँगी अगर ज़्यादा पानी छोड़ रहे तो, और बीच में आंच को थोड़ा सा स्लो कर दूँगी। ऐसे करके 3 से 4 मिनट मैं इसे चलाते रहूँगी। ऐसे करके चलाते चलाते एकदम आपको बहुत अच्छा सा खुशबू आएगा, क्योंकि इतने सारे मसाला हमने दिया है। तो एक बार ऐसे करके बना के खाइए, और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके जाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ रहिए, इतना ही आशा करती हूँ। उसके बाद एक बार मुझे कमेंट करके बताइए आप लोगों को रेसिपी कैसा लगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ फ्रेंड्स फैमिली में शेयर कीजिए रेसिपी को। उसके बाद देखिए हो गया, इसको मैं अभी क्या करूँगी, सर्व कर दूँगी। इतना यामी होता है आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा, मैं बार बार बोल रही हूँ। मैं आप करेला खा रहे तो एक बार बना के आप लोग खा के देखिए, बहुत ही अच्छा लगेगा। थोड़ा सा भी कड़वा नहीं लगेगा। जो लोग कड़वे के डर से करेला नहीं खाते, एक बार ट्राई कीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। और करेला हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, स्पेशली इस गर्मी में हम सभी को खाना चाहिए, और हमारे मुंह का टेस्ट भी थोड़ा सा चेंज होता है। तो जो लोग सूखा सब्जी पसंद करते राइस के साथ, एक बार खा के देखिए, आप लोग फ़ीदा हो जाएंगे करेले का, मैं दावा करती हूँ। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, एंजॉय द वीडियो, बी सेफ एंड बी हेल्दी। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे सिंपल टेस्टी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।